नमस्कार, मैं शिवानंद वेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत बसामन मामा गौवश सुवन्य विहार केंद्र में मैं इस समय हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बसामन मामा गौवश वन्य विहार केंद्र का पूरा प्रांगण है। ये लगभग बताया गया कि 32 एकड़ के आसपास ही इसकी बाउंड्री लगी हुई है और यहाँ पे इन गायों को रखा जाता है। यहाँ पे अभी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है और गायों की संख्या लगभग जो हमें यहाँ से जानकारी मिली है 2000 और इसके ऊपर के आसपास बताई गई है। हम आपको यही दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम गोबर फैला हुआ है और इसी में धूप, बरसा, ठंड सभी मौसम में सब इसी तरह से खुल करके इनको रात में रखा जाता है। अभी दिन में नहीं है, दिन में चराने के लिए भेज दिया गया है। हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रबंधक है अरुण गौतम से आगे चल करके, लेकिन फिलहाल हम आपको पूरा मैटर ये सब दिखा रहे हैं कि आप देखें कि इसकी क्या किस तरह से शासन प्रशासन ने अभी तक इसकी व्यवस्था की हुई है और कितने इसमें मवेशियों को रखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखें यहाँ पे कुछ शेड भी बने हुए हैं, 2-3 शेड यहाँ पे दिख रहे हैं जिसमें से कुछ में भूसा रखा हुआ है, कुछ में मवेशियों को रखा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसमें पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, एक वृक्षारोपण का भी कार्य एक तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे वाटर सप्लाई किया गया है, संभवतः इनको पीने के लिए है कि क्या है, पीने के लिए तो ऐसे टैंक भी, टब भी बनाया गया है। और इस तरह से ये यहाँ का पूरा मैटर है। आप देख सकते हैं सामने हर जगह गोबर से भरा हुआ, पूरा ये प्रांगण गोबर से भरा हुआ है। इस तरह से ये इसकी स्थिति है और यहाँ पे लगता है कि गोबर भी कोई उठाने वाला नहीं होता है। बहरहाल यहाँ पे बहुत सारी अभी समस्याएं हैं, ये अंडर डेवलप्ड है एक तरह से कह सकते हैं। बाकी यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो इसके बारे में वैसे भी आपको जानकारी देंगे, हमें जानकारी देंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं शिवानंद द्विवेदी, रीवा, मध्य प्रदेश।